This festive season, give your home a makeover gift. From kitchen to bathroom renovation, from furnitures to curtains, from lights to wooden flooring, end-to-end wall decor and home decor. One-stop decor solution. Visit soon at Asian Paints Beautiful Homes, Kedarmul, Bimal Kumar, Luckier Road, Shillong. Katihar police arrested three miscreants in the kidnapping case of Raj Singh Majao of Meghalaya. The main mastermind of this incident, a resident of Bhagalpur, is absconding. The police is conducting raids to arrest him. In this case, the police have arrested one accused from Tamil Nadu and two from Katihar. Also, the kidnapped person from Meghalaya has been recovered safely. Pistol, cartridges, fake documents and mobile have been seized from the accused. SP Vaibhav Sharma said that the Pothia police station had received secret information that Raj Singh Majao of Meghalaya and his driver were kidnapped by some unknown person after luring them to a deserted place in Pothia and Kursela via Purnia. In return, 15 lakh rupees is being demanded from Raj as ransom. SP said that Gautam Kumar Mishra, Vijay Kumar Mandal of Katihar and Syed Ali John of Tamil Nadu had together deceived Raj Singh, a resident of Laban area of Shillong, and assured him that they had a huge stock of banned 2000 rupees notes, which could be exchanged at RBI by 31st December. To prove this, these three showed some fake documents to Raj. Also, the three accused assured him that as soon as the notes are exchanged, all of them will benefit a lot and Raj will also get a share of it. And by giving this temptation, they called Raja and kidnapped him and his driver. Katihar police got information about this and the police arrested the three accused. According to the police, this gang which deceives people by promising to exchange notes is an interstate gang. Its network is spread across many states of the country. इसमें राजा सिंह मजाऊ थे जो कि उनके पिता स्वर्ग तेजेंद्र सिंह हैं जो रहने वाले थे ईस्ट खासी हिल्स मेघालय और उनका ड्राइवर रिंकू कुमार जो कि रहने वाले हैं कामरूप और असम के। इन लोगों को तीन लोगों ने बंधक बना के रखा था और उनसे 15 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी। ससमय हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई, हम लोगों ने टीम बनाई और उन लोगों को उन बंधक की गिरफ्त से बाहर निकाला और वहां पर घटनास्थल से तीन लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है जो है गौतम कुमार मिश्रा, विजय कुमार मंडल, सैयद अली जॉन। इनके पास से एक देसी कट्टा, तीन जिंदा कारतूस, कुछ फर्जी एग्रीमेंट के पेपर, मोबाइल फोन और एक बोलेरो गाड़ी बरामद हुई है। इसमें से गौतम मिश्रा और विजय मंडल ये कटिहार के रहने वाले हैं कुरसेला थाना अंतर्गत और सैयद अली जॉन ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि यह सभी एक अंतरराज्यीय ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग के पार्ट हैं। ये लोग इस पर्टिकुलर क्राइम में जो दूसरे राज्य के लोग थे इसमें इन्होंने अपने गैंग को दो हिस्सों में बांटा और सैयद अली जॉन जो कि तमिलनाडु का है पहले वो पीड़ित से कॉन्टेक्ट किया और बोला कि मैं RBI के कॉन्टेक्ट में हूं और अगर तुम्हारे पास 2000 के नोट हैं तो उसको मैं 60% वैल्यू दिलाकर बदलवा सकता हूं 31 दिसंबर तक। और साथ ही साथ ये जो गौतम मिश्रा और विजय मंडल है ये भी पीड़ित को अलग से कांटेक्ट करते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से उनको 2000 के नोट्स के फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास 2000 के नोट का सप्लाई है, हमको बदलवाना है। तो पैसों के लालच में राजा सिंह मदौ जो कि मेघालय के रहने वाले हैं वो कुछ इसमें अपना कमीशन ये लोग में आकर बिहार में आते हैं। ये सैयद अली जॉन को तमिलनाडु से बुलाते हैं और गौतम मिश्रा के बताए हुए जगह पर जाते हैं कि यहाँ पर पैसे रखे हैं। गौतम मिश्रा उनको इनिशियली पूर्णिया में मिलता है और फिर कुरसेला लेकर आता है। कुरसेला में इनको पता चलता है कि इनको बंधक बना लिया गया है और ये जो पैसे की बात है और ये सर्कुलर है कि हमारे ये से बदलवा लेंगे सब मिथ्या है, फर्जी है।
तब उनको अपने बंधक बनने की घटना का जब आइडिया लगता है तो वो किसी तरीके से इंफॉर्मेशन लीक आउट करते हैं और हम लोग उनको छुड़ा पाए। साथ ही साथ हमको ये भी ज्ञात हुआ है कि जो इनका मेन सरगना है वो भागलपुर का रहने वाला है और वो और भी कई तरह के मोडस यूज करते हुए लोगों को बेवकूफ बनाता है। एक इसी तरीके से दूसरे पीड़ित की जानकारी हमको मिली है जिसमें उनको स्क्रैप की जानकारी दी गई कि हमारे पास स्क्रैप है और बड़े सस्ते कॉस्ट में हम आपको दे सकते हैं। तो ये प्रलोभन देके उनको बुलाता है पूर्णिया और वहां पर उनका ही बंधक बनाने की कोशिश करता है। वो भी कुछ पैसा देकर वहां से छूटते हैं और हम लोगों को कुछ फर्जी एग्रीमेंट पेपर भी मिले हैं जिसमें और भी कई पीड़ित होने की हमको अंदेशा लग रहा है। पूछताछ क्रम में इन लोगों के द्वारा बताया गया है कि पहले भी ये लोगों को इसी तरीके से प्रलोभन देके बुलाते हैं और वहां जब आ जाते हैं तो फिर उनसे पैसे की डिमांड करते हैं कि हमको इतना इतना पैसा ट्रांसफर करो तभी आपको जाने देंगे। तो इस तरीके से ये एक बड़ा इंटर स्टेट गैंग है जो कि सिर्फ यहां नहीं बाकी राज्यों में भी ऑपरेट कर रहा है और हम लोगों को और भी कई लिंक्स मिले हैं जिसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, गिरफ्तारी करने वाले हैं। हम कोठिया में जाकर इन लोगों को बंधक बना के रखा और चूंकि ये दो रहने वाले कटिहार के हैं तो उन्होंने फिर अपना बेस कटिहार यूज किया। इनके जो और गैंग के मेंबर हैं वो दूसरे राज्य के भी हैं। इनिशियल ये चीज ठगी की बनती है, उसको ठग कर जालसाजी के तरीके से यहाँ बुलाया गया। जब यहाँ पे आ गया तो उसके साथ बंधक बनाकर फिर नकल बन गया।